नोनू मोनू रॉकी और रॉड बाबा के घर पर आए हुए थे क्योंकि बाबा ने सभी को बुलाया है क्योंकि आज सभी लोग एक बहुत बड़े मिशन पे जा रहे हैं। बाबा नोनू मोनू रॉकी और रॉड से कहते हैं, सभी लोग जीप पे बैठ जाओ, अब हम लोग निकलने वाले हैं। नोनू मोनू रॉकी रॉड और बाबा जीप पर बैठ जाते हैं और वहां से जंगल की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग जंगल के बीच रास्ते से होकर जा रहे थे तभी बाबा कहते हैं, तुम लोगों को पता है हम लोग जिस मिशन पे जा रहे हैं उस मिशन में हमारी जान भी जा सकती है। रॉड कहता है, बाबा हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। नोनू डर के मारे कहता है, लेकिन बाबा मैं नहीं तैयार हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा मुझे भी बहुत डर लग रहा है। तुम लोग डरो मत, मैं तुम लोगों की सुरक्षा अपने आखिरी सांस तक करूँगा। बातें करते करते सभी लोग एक बड़े और पुराने घर के पास पहुंचते हैं। जिस मॉन्स्टर को हम लोग मारने आए हैं, वो मॉन्स्टर इसी घर में रहता है। अरे बापले, ये घर तो बहुत डरावना है। मुझे ये भी खबर मिली है कि उस मॉन्स्टर ने कई लोगों को इस घर में किडनैप कर रखा है। बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, तुम लोग यही रहो, मैं घर के अंदर जाकर देख कर आता हूँ। रॉड तुम इन सब की सुरक्षा करना। ठीक है बाबा। बाबा घर के अंदर जाने लगते हैं। बाबा घर के अंदर चले जाते हैं लेकिन बाबा को पता नहीं है बाबा जिसे पकड़ने जा रहे हैं वो घर के बाहर ही है। ये घर इविल नन का है और इविल नन तालाब से छिपकर नोनू मोनू रॉकी और रॉड को देख रही थी। इविल नन तालाब से बाहर आ जाती है। अले बापले, लॉर्ड वो देखो इविल नन। इविल नन को देखकर नोनू मोनू रॉकी और रॉड बहुत डर जाते हैं। रॉड कहता है, इविल नन वही रुक जाओ, खबरदार अगर तुमने नोनू मोनू और रॉकी को छूने की कोशिश भी की। इविल नन आगे बढ़ने लगती है। रॉड इविल नन के सामने आ जाता है। इविल नन अपने हथौड़े से रॉड को मारती है जिससे रॉड दूर जाकर गिरता है। ये देखकर नोनू मोनू और रॉकी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। नोनू मोनू और रॉकी के चिल्लाने की आवाज बाबा को भी सुनाई देती है। लगता है नोनू मोनू और रॉकी किसी मुसीबत में है, मुझे जल्दी उनके पास जाना होगा। बाबा दौड़कर घर के बाहर जाने लगते हैं, लेकिन बाबा को वहां पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है क्योंकि इविल नन नोनू मोनू और रॉकी को अपने जादुई गोले में कैद कर तालाब के अंदर कूद जाती है। बाबा अपनी लेजर से इविल नन को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि इविल नन तालाब में कूद जाती है। बाबा ये देखकर बहुत भड़क जाते हैं। तभी बाबा को दिखता है रॉड कहीं दूर बेहोश पड़ा हुआ है। बाबा दौड़कर रॉड के पास आते हैं और रॉड को अपनी जादुई शक्तियों से होश मिलाते हैं। रॉड बाबा को सारी बात बताता है। बाबा रॉड से कहते हैं, हम लोगों को जल्दी नोनू मोनू और रॉकी को बचाना होगा। चलो मेरे घर, मैं अपने जादुई गोले से नोनू मोनू और रॉकी का पता लगाऊंगा। बाबा और रॉड जीप पर बैठकर बाबा के घर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग बाबा के घर पर पहुंच जाते हैं। बाबा अपनी कुटिया से अपने जादुई गोले को लेकर आते हैं और बाबा मंत्र पढ़कर नोनू मोनू और रॉकी का पता लगाने लगते हैं। बाबा और रॉड को दिखता है कि इविल नन नोनू मोनू और रॉकी को लेकर दूसरे ग्रह पर गई है जहाँ इविल नन उन लोगों की बलि देने जा रही है। बाबा ये देखकर डर जाते हैं। बाबा रॉड से कहते हैं, हमें जल्दी ही नोनू मोनू और रॉकी को बचाना होगा वरना इविल नन उन लोगों की बलि दे देगी। लेकिन बाबा हम लोग इविल नन के प्लेनेट पर जाएंगे कैसे, हमारे पास तो कोई यूएफओ है ही नहीं। बाबा कहते हैं, उसकी चिंता मत करो, मैं अपने जादुई शक्तियों से यहाँ यूएफओ बुलवा देता हूँ। और फिर बाबा अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ यूएफओ बुलवाते हैं। रॉड और बाबा यूएफओ में बैठते हैं और इविल नन के प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं। बाबा वो देखो, वो रहा उस इविल नन का प्लेनेट। बाबा यूएफओ की स्पीड बढ़ाकर इविल नन के प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है उस प्लेनेट की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर करता है। अभी ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे तभी वो मॉन्स्टर उनके यूएफओ के सामने आ जाता है। लगता है उस इविल नन ने अपने प्लेनेट की सुरक्षा के लिए इस मॉन्स्टर को रखा है।
मुझे कैसे भी कर इसे मारना होगा। तुम यही रुको, मैं इसे मार कर आता हूँ। बाबा उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बाबा को ही मार देता है। लेकिन तभी बाबा एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं और बाबा उस मॉन्स्टर की बहुत धुलाई करते हैं। बाबा यूएफओ में वापस आते हैं। बाबा और रॉड यूएफओ में बैठकर इविल नन के प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं। बाबा और रॉड इविल नन के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। दोनों लोग यूएफओ से नीचे उतरते हैं। बाबा रॉड से कहते हैं, हमें कैसे भी कर जल्द से जल्द इविल नन का ठिकाना ढूंढना होगा। बाबा और रॉड इविल नन का ठिकाना ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इविल नन का ठिकाना कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तभी बाबा और रॉड को एक गुफा दिखाई देती है। रॉड कहता है, बाबा लगता है उस इविल नन का ठिकाना उस गुफा में है, चलिए उधर चलते हैं। बाबा और रॉड उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है इस गुफा में बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं। वो लोग जैसे ही उस गुफा के अंदर आते हैं, सभी मॉन्स्टर जग जाते हैं। बाबा और रॉड ये देखकर बहुत डर जाते हैं। तभी बाबा मॉन्स्टर से पूछते हैं, जल्दी से इविल नन का ठिकाना बताओ, वरना मैं तुम लोगों को बहुत मारूंगा। हिम्मत है तो हमें हाथ लगा कर दिखा। बाबा सभी मॉन्स्टरों को बहुत मारते हैं। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर कहता है, ठीक है, मैं इविल नन का ठिकाना बताता हूँ। और फिर वो मॉन्स्टर इविल नन का ठिकाना बताता है। मॉन्स्टर कहता है, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वहीं पर रहती है इविल नन। और फिर बाबा और रॉड इविल नन के ठिकाने पर जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। बाबा और रॉड इविल नन के ठिकाने पर आते हैं, लेकिन वहां आकर उन्होंने देखा इविल नन ने सोनू, मोनू और केविन को मार दिया है। बाबा और रॉड ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाबा, इविल नन ने तो सोनू, मोनू और केविन को मार दिया है, अब हम क्या करेंगे। बाबा कहते हैं, तुम घबराओ नहीं, मैं सोनू, मोनू और केविन को बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें उनके सर और उनकी बॉडी को मेरे घर पर ले जाना होगा। मैं अपने जादुई पत्थर से उनका सर धड़ से जोड़ सकता हूँ। रॉड कहता है, लेकिन बाबा हम उन लोगों के पास जाएंगे कैसे, वहाँ पे इविल नन खड़ी है। बाबा कहते हैं, तुम घबराओ नहीं, मैं इस इविल नन की बुद्धि ठिकाने लगाता हूँ। बाबा दौड़कर इविल नन की तरफ इविल नन को मारने जाने लगते हैं, लेकिन बाबा को नहीं पता इविल नन के पास बहुत खतरनाक तलवार है। बाबा जैसे ही इविल नन के पास आते हैं, वो इविल नन बाबा को अपने तलवार से मार देती है। बाबा दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। रॉड ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। रॉड को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। तभी इविल नन रॉड की तरफ बढ़ने लगती है। रॉड ये देखकर घबरा जाता है और तभी रॉड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रॉड अपना एक्सट्रीम मोड ऑन कर लेता है और रॉड इविल नन की तरफ दौड़ कर जाने लगता है। रॉड इविल नन को किक मार कर दूर गिरा देता है और फिर रॉड इविल नन के पास आता है और इविल नन को फ्रीज कर देता है। इविल नन को फ्रीज करने के बाद रॉड बाबा के पास आता है। रॉड बाबा को उठाता है। रॉड बाबा से कहता है, बाबा मैंने इविल नन को फ्रीज कर दिया है, लेकिन इविल नन ज्यादा देर तक फ्रीज नहीं रहेगी, हमें सोनू, मोनू और केविन को जल्दी यहाँ से लेकर चलना होगा। नहीं रॉड, अगर हम लोगों ने इविल नन को ऐसे ही छोड़ दिया तो इविल नन हमारा पीछा करेगी, इसीलिए मैं इस इविल नन को जला दूंगा ताकि ये दोबारा जिंदा कभी ना हो पाए। और फिर बाबा और रॉड इविल नन के पास जाने लगते हैं, लेकिन रॉड और बाबा को नहीं पता इविल नन ने बेहोश होने से पहले वहाँ अपनी हमशक्लों को बुला लिया था। वो दोनों इविल नन की हमशक्लें वहाँ आ जाती है। बाबा और रॉड ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी बाबा रॉड से कहते हैं, रॉड डरो नहीं, ये इविल नन की हम शक्लें हैं। रॉड कहता है, बाबा आप इविल नन को अपनी शक्तियों से जलाओ, इन लोगों को मैं संभाल लूंगा। और फिर रॉड उन इविल नन को रोकने चला जाता है। रॉड जैसे ही इविल नन के पास आता है, वो इविल नन रॉड को मारने की कोशिश करती है, लेकिन रॉड इविल नन के हमले से बच जाता है और रॉड उन दोनों हम शक्ल इविल नन को फ्रीज कर देता है। इधर बाबा इस इविल नन को लेजर से जलाने जा रहे हैं और बाबा अपनी लेजर से इविल नन पे हमला करते हैं, जिससे इविल नन वहीं पे जल जाती है। और फिर रॉड बाबा से कहता है, बाबा इन दोनों इविल ननों को भी अपनी लेजर से जला दो। बाबा अपनी लेजर से उन दोनों इविल ननों को भी जला देते हैं। रॉड और बाबा ने मिलकर इविल नन को हरा दिया है।
बाबा और रॉड नोनू मोनू और रॉकी के बॉडी को लेकर पृथ्वी पर आते हैं और बाबा अपनी जादुई पत्थर से नोनू मोनू और रॉकी को ठीक करते हैं। थोड़ी ही देर में नोनू मोनू और रॉकी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दें।